एक नंबर का झूठा, एक नंबर का फेकू, इससे बड़ा प्राइम मिनिस्टर फेकू नहीं, इससे बड़ा प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान में झूठा नहीं आया और ना पैदा होगा। चोर एक नंबर का, गरीबों को खा गया है। मोदी जी से बड़ा ताकतवर नेता कोई नहीं पैदा होगा। अरे कोई नहीं, उससे बड़ा छोटा पैदा नहीं होगा, उससे बड़ा छोटा डकैत पैदा नहीं होगा। इससे मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, नहीं बनेंगे, सिख गई उनकी रोटी, हो गया काम। मामा फिर से आ रहे हैं। मामा जी क्या खेऊ, मैंने गाली सुन वाला चाह रहा है तू, गाली मत दी, नहीं इसीलिए मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। इतना गुस्सा क्यों है? इसलिए कि ये लोग जनता को खा रहे हैं, बेरोजगार फिर रहे हैं, गल्ले के लिए लाइन में लगे रहते, कहते आई नहीं है कंट्रोल में, है ही नहीं, मोदी मामा नहीं आ रहे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, वीडियो फिलहाल वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद, बंद करो। कांग्रेस के टाइम में राशन मिलता था, जब से मोदी जी आए हैं कंट्रोलों के हाल देखिए, गोदाम से कंट्रोलों में अनाज आना बंद हो गया है। मोदी जी सड़कें बना रहे हैं, ये कंट्रोल का अनाज कहाँ जा रहा है? गरीबों को कौन सा अनाज मिल रहा है? कंट्रोल में जाके देखिए जरा, 10 किलो 20 किलो गेहूँ मिलता था, उसको 2 किलो गेहूँ मिल रहा है। राशन कार्ड पे जो सामान मिलता था वो सामान मिलना बंद हो गया है। वही पैसा ये सड़कों में लगाया जा रहा है, जो पब्लिक को दिखा रहा है आप सड़कें, ये सड़कों को गरीबों के अनाज छीन के चाहते हैं। मोदी जी जो जो कह रहे हैं वो उसमें सच्चाई नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जो 20 सूत्री कार्यक्रम था ना इंदिरा गांधी का, 20 सूत्री कार्यक्रम, उसी में शौचालय, पहले देश इतना आगे नहीं था जितना आगे 10 साल में बढ़ गया आगे थे, इससे पहले कुछ था ही नहीं। कंगना जी तो कहती 2014 में देश आजाद, क्या कहेगी, पहाड़ी चूहा है वो कंगना, जो है पहाड़ के रहने वाली है। 10 साल में जितनी तरक्की हुई इससे पहले कुछ हुई नहीं, मतलब 10 साल में ही हो गई तरक्की। मोदी जी नहीं होते तो कुछ नहीं होता अभी, वो कह रहा है इस बात को। बीजेपी वाले कहते हैं, बीजेपी के समर्थक कहते हैं, बीजेपी के समर्थक कहते हैं, आवाम नहीं कहती, जो पूरी आवाम है वो नहीं कहती इस बात को, क्या समझा। तो मोदी जी और मामा के काम को देखा आपने, 10 में से कितना नंबर देंगे? मैं जीरो। 10 में से कितना नंबर? जीरो नंबर, जीरो। 10 में से कितना नंबर? जीरो जीरो जीरो, बस तो काम देखा। अरे महंगा तो देखो, महंगाई कितनी बढ़ा दी है उसने, ये रोजगार भी तो दे रहे हैं। अरे का दिया, क्या दिया, किसी को कुछ नहीं दिया। इससे पहले 10 साल पहले यूनिवर्सिटी नहीं थी, इतनी नहीं थी ना जितनी अब है। वो कह रहा नहीं थी, खूब थी, झूठ बोल तो करे। रोज IIT IIMT खोल रहे हैं, 3000 खोल, 3000 सुबह खोलते हैं शाम को बंद हो जाता है। 3000 करोड़ की मूर्ति बनाती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, 3000 करोड़ में 50 हॉस्पिटल बनते नहीं बनते। कौन देखने जा रहा है उसको, कौन पूछने जा रहा है, विजिट कर रहे हैं, विजिट कर कितने, अच्छा आप 200-500 लोग विजिट कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम हो गया। और ये जो रोजगार के लिए बनाया मुजस्मा बनाया कि लोग आकर के देखे, वैसा तो मुगलों ने भी ताजमहल बनाया। वो छोड़ो, वो तो जो गलत, वो अलग बात है, आज डेमोक्रेसी है, रह रहा है। ये तो मुगलों के बनाई जगहों पे तो ये रह रहे हैं, उसे तो पसंद कर रहे हैं। आज प्रजातंत्र, पहले राजतंत्र था, अब प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, अब आज मामला दूसरा है, पहले राजतंत्र था, आज प्रजातंत्र नहीं। अच्छा वही चीजें बेच के खा रहे हैं ये, वही चीजें बेच रहे हैं, मुगलों के जमाने की चीजें बिक रही है। सड़कें वड़के तो बनवा रहे हैं ना मोदी जी, इससे पहले खड्डे थे, मतलब 70 साल से खड्डे थे, कुछ था ही नहीं, मिट्टी की सड़कें होती थी, गाड़ी चला करते थे, 10 साल पहले बैलगाड़ी चलते थे, सब भूखे मर रहे थे, जब से मोदी आया खाने को मिलने लगा। शुक्र मनाइए कि मोदी जी के जैसा आपके पास नेता है। क्या बात है यार, तुम भी ये बात कह रहे हो, अरे वाह क्या बात है। अरे राजकुमार आप जैसी बात, कैसी बातें कर रहे हो आप, आपको तो नहीं कहना चाहिए ये बात। हम नहीं कह रहे हैं, कौन से शब्द नहीं है ये, उनके शब्द है, उनके चाहने वालों के शब्द है। वो तो कुछ भी कह देंगे, वो कह देंगे सुबह क्या हो शाम को, शाम को क्या हो सुबह, सुबह का क्या हो शाम को, वो तो कुछ भी कह देंगे। भाई एक बात सुनो, जब वो आ रहे थे, जब कितनी बातें कर रहे थे, मेरे बैठते थे इतने, ये इस चीज़ में इतने कम हो जाएंगे, पेट्रोल के भाव हो जाएगा, शकर ये भाव हो जाएगी, डीजल ये भाव हो जाएगा, तो बजाय उल्टा होने के और बेल और ऊपर चढ़ गई है, उस पर ध्यान नहीं दे रहे वो। चलिए एक बार आप लोग जो है बता दीजिए कि मोदी जी और शिवराज मामा के 10 में से कितना नंबर देंगे? जीरो। जोर से बोलिए, खाना ना खाए।